हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा इतिहास के अपने इस 58वें अंक में आपका स्वागत करता हूं। अब तक 57 अंकों में आपको इतिहास की अच्छी खासी जानकारी हो चुकी होगी और आगे बचे कुछ जो इतिहास के क्षण हैं उसको हम लोग देखेंगे आज और बताएंगे किस तरीके से हमारा इतिहास आगे बढ़ा। शुरुआत से लेकर आगे हम लोग लेके चले थे, जिन्होंने न पढ़ा वो पुराने सारे वीडियोज एक नंबर से लेकर पूरा सिक्वेंस बना हुआ है हमारा यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं उसको। और अभी जो हम लोग की चर्चा चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत में फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग का स्टार्ट हुआ था स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें बताया था किस तरीके से भारत में फ्रीडम मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट, जो जन आंदोलन थे उनकी शुरुआत होती है बंगाल विभाजन के बाद से। और हालांकि बंगाल विभाजन के खिलाफ जो मूवमेंट चला वो भारत का पहला जन आंदोलन था और वो सफल रहा। फिर 1916 में होम रूल मूवमेंट चला और 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था। और उसी लखनऊ सेशन की सबसे खास बात आपको बताई थी कि यहीं से गांधी जी का सार्वजनिक जीवन शुरू होता है। गांधी जी अपना पॉलिटिकल जो करियर है, सार्वजनिक जीवन है, वो यहीं से शुरू करते हैं। राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत यहीं से आप कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर राजकुमार शुक्ला ने उनको तैयार किया था चंपारण आने के लिए महापतन कठिया के इशू पर। तो वही गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट बना था चंपारण, और यहीं चंपारण की सफलता के बाद उनको महात्मा की टाइटल मिली। चंपारण के बाद अहमदाबाद आपको बताया था पिछले वीडियो नंबर 57 में कि अहमदाबाद में किस तरीके से प्लेग बोनस का इश्यू था, जिसमें गांधी जी ने कुछ बोनस दिलाया मजदूरों को, और यहीं पर गांधी जी अपनी भूख हड़ताल भारत में शुरू करते हैं। फिर खेड़ा में आपको बताया था लगान का इश्यू था, उस पर भी गांधी ने दबाव बनाया ब्रिटिश सरकार के ऊपर और उनको सफलता मिली। तो जब छोटी छोटी सफलताएँ उनको मिलने लगी, तब गांधी जी ने एक बड़े स्तर पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, एक नेशनल वाइड मूवमेंट की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी। आपको बताया था गांधी जी राजनीति थी वो, आपको बताया था गांधी जी एक बड़े शुद्ध राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, फिलोसफर उनको समझने की गलती मत कीजिएगा, वो बिल्कुल शुद्ध राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे। और उनका राजनीतिक जो सूझबूझ थी, उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ की जो सबसे खास बात थी उनकी राजनीति की गांधी जी की, वो थी उनकी टाइमिंग। समय का जजमेंट गांधी जी का बहुत ज़बरदस्त था, कब कदम आगे लेके जाना है और कब कदम पीछे हटाना है। और दूसरी सबसे खास बात कि गांधी जी कोई भी जो मूवमेंट होता था, कोई भी आंदोलन होता था, बिना किसी ठोस रीजन के नहीं शुरू करते थे। जब तक कोई ठोस कारण नहीं मिलता था, गांधी जी ना आंदोलन शुरू करते थे ना ख़त्म करते थे। अब 1918 से उनको लगने लगा था कि अब छोटे आंदोलन बहुत हो गए, अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन चुकी है और भारत को एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है। लेकिन गांधी जी अभी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला था। तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब तक कोई ठोस बहाना न मिले, गांधी जी अभी राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ नहीं देख रहे थे। उन्होंने वेट किया और फाइनली ब्रिटिश सरकार ने मौका दिया गांधी जी को, या कह लीजिए गांधी जी को बहाना दिया। हुआ यह था कि उस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अभी क्रांतिकारियों का अलग से एक चैप्टर आएगा, उस पर चर्चा करेंगे अलग एक क्लास में। तो उन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसको रोलेट कमेटी कहा गया। उस रोलेट कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट दी और 1918 में उसी रोलेट कमेटी की रिपोर्ट पर 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया, जिसको कहा जाता है क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। ये जो क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम था, इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है रोलेक्ट एक्ट। तो ये जो रोलेक्ट एक्ट था, ये उसे सिडनी रोलेक्ट कमेटी की अध्यक्षता में जो 17 में बनी थी, उसी की सिफारिशों पर ये रोलेक्ट एक्ट आया। और इसका पूरा नाम क्या था? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। अब ये जो रोलेक्ट एक्ट आया था, ये 3 साल के लिए इसको लाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए लाया गया था। इसमें ये कानून था, एक कड़ा कानून था, जैसे टाटा पोटा रसुका लगता है, वैसे उस समय रोलेक्ट एक्ट लग रहा था। तो उसमें मजिस्ट्रेट को या जो पुलिस को अधिकार बहुत ज़्यादा दे दिए गए थे कि किसी को भी पुलिस बिना कारण बताए कभी भी अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट किए व्यक्ति को कितने भी लंबे समय तक गिरफ्तार करके जेलों में रखा जा सकता है, और उसको आगे कहीं भी अपील करने का अधिकार नहीं होगा। यानी इसमें सरकार की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो आम जनता थी, आम लोग थे, उनके शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। तो इसी को क्या कहा गया? रोलेक्ट एक्ट। इसको शॉर्टकट में अगर आपको समझना हो तो इसी को कहा जाता है नो दलील वकील और नो अपील। कि ना आप वकील कर सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं, ना दलील कर सकते हैं, ठीक है? नो वकील, नो अपील, नो दलील। कि आपको वकील करने की इजाज़त नहीं होगी, आप ऊपर दलील नहीं, आगे बहस नहीं कर सकते, आप अपील भी नहीं कर सकते।
इसी को रिलेक्टेड को शॉर्टकट में विरोध किया गया और इसी का नाम दिया गया ब्लैक एक्ट यानी काला कानून। तो अगर पूछा जाए काला कानून किसको संज्ञा दिया गया था तो रिलेक्टेड को हमारे नेताओं ने काला कानून कहा और इसी काला कानून का विरोध करना शुरू किया। पूरे देशव्यापी स्तर पर इसका विरोध हुआ, सारे नेताओं ने विरोध किया, गांधी जी ने भी विरोध किया और गांधी जी के आह्वान पर भारत में 6 अप्रैल 6 मार्च में ये पास हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल की गई और ये हड़ताल काफ़ी हद तक सफल भी रही और उधर सबसे ज़्यादा जो अशांति फैल रही थी पंजाब में फैल रही थी। पंजाब में ही लोगों ने फिर पुलिस का घेराव और लोगों के खिलाफ इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया था। पंजाब में जब आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ा, आंदोलन में हिंसा होनी शुरू हो गई थी, उसी आंदोलन का समर्थन करने के लिए गांधी जी पहुँचते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब का ट्रेन उन्होंने पकड़ा, हालांकि गांधी जी को पंजाब नहीं पहुँचने दिया गया और 8 अप्रैल 1919 को ये जब ट्रेन से पंजाब जा रहे थे तो रास्ते में पलवल रेलवे स्टेशन हरियाणा में पड़ता है तो पलवल में उनको उतार लिया गया ट्रेन से और उनको वापस गिरफ्तार करके ट्रेन में बिठा के वापस मालगाड़ी में बिठाया गया, मालगाड़ी में बिठा के बॉम्बे भेज दिया गया और गांधी जी अरेस्ट हो गए। फिर जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और बाकी नेताओं को पंजाब पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा था, पंजाब की सीमाएँ सीज कर दी गई, तो इस बात पर वहाँ पर आंदोलन और तेज हुआ। और वहाँ पर आंदोलन के दो बड़े नेता थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन्हें लोगों ने इनवाइट किया था गांधी जी को, तो इन दोनों ने भी बहुत व्यापक पैमाने पर आंदोलन करना शुरू किया, गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया, सरकार के अपीलों का विरोध किया। जब इन लोगों ने विरोध किया तो इसी रिलैक्स एक्ट के तहत इन दोनों को भी 9 अप्रैल 1919 को अरेस्ट कर लिया गया। यानी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तारी कब हुई, 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये दोनों उस समय पंजाब में बहुत बड़े नेता थे, उनके इस कदम से अमृतसर में बिल्कुल अशांति फैल गई, अमृतसर के लोग बिल्कुल हिंसक हो गए, आंदोलन एकदम बढ़ने लगा। जब इस बात पर अशांति फैली, इनको नहीं गिरफ्तार किया गया, गांधी जी गिरफ्तार किया, मामला जब बिगड़ने लगा अमृतसर का, तो अमृतसर का प्रशासन वहाँ का जो गवर्नर था, पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओ डायर ने क्या किया कि 10 अप्रैल 1919 को पंजाब का जो प्रशासन था, अमृतसर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो आर्मी को सौंप दिया और आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल आर डायर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण ले लेता है अमृतसर का और उसने सैनिक शासन पंजाब पर लागू कर दिया। खासतौर पर अमृतसर डायर के कंट्रोल में आया, जनरल आर डायर के कंट्रोल में आया। अब इधर जब जनरल डायर ने फिर सैनिक रूल शासन करना शुरू कर दिया और बिल्कुल कंट्रोल किया 3 दिनों तक, तो बिल्कुल पंजाब में स्थितियाँ और बिगड़ी। जब स्थिति और बिगड़ी तो उसी दौर में 3 दिन बाद पंजाब का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है वैशाखी था उस समय 13 अप्रैल को, तो 13 अप्रैल 1919 को दिन था कौन सा, वैशाखी। तो वैशाखी का दिन था, तो वैशाखी के दिन में एक बहुत बड़ा अमृतसर में मेला लगने वाला था, तो उसी मेले का फायदा उठाते हुए उस समय एक हंसराज नाम का व्यक्ति था, उसने सोचा कि जब मेला लगेगा तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी तो उसी में एक हम मीटिंग रख देंगे, पब्लिक मीटिंग रखेंगे और लोगों को एड्रेस करेंगे। तो जब उसने वैशाखी के दिन पब्लिक मीटिंग की घोषणा की हंसराज ने, इस बात की जानकारी जब जनरल आर डायर को हुई तो जनरल आर डायर ने सुबह 9:30 बजे उस मीटिंग को अवैध घोषित कर दिया कि अमृतसर में कोई भी राजनीतिक सम्मेलन नहीं होगा। खैर जब मीटिंग 13 अप्रैल को जब मेला लगा वैशाखी का, तो वहाँ पर एक जलियांवाला बाग जो था, 3 तरफ मकान बने हुए थे, बड़ा सा मैदान था, 3 तरफ मकान बने हुए थे, एक ही तरफ निकलने का रास्ता था, तो उसी जलियांवाला बाग में वैशाखी का मेला लगा हुआ था, लोगों की भीड़ इकट्ठा थी उस दोपहर के बाद लोग जब भीड़ भाड़ जब वहाँ पर बढ़ने लगी तो वहीं पर इसमें एक टेम्पररी अस्थायी रूप से मंच बना के कुछ लोग मंच पर चढ़े और इन्हीं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में भाषण देना शुरू कर दिया पब्लिक की, क्योंकि भीड़ इकट्ठा थी तो उसी भीड़ को इन लोगों ने एड्रेस करना शुरू किया। जब एड्रेस की खबर जब वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को लगती है तो ब्रिगेडियर जनरल आर डायर वहाँ पर पहुँचता है और जो निकलने का रास्ता था उसी निकलने का रास्ते को उसने बंद कर दिया, घेर लिया और सीधे सीधे कहा कि 3 मिनट के अंदर अगर ये मैदान खाली नहीं हुआ तो गोली चला दी जाएगी।
इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते जनरल डायर ने सीधे सीधे फायरिंग का आदेश दे दिया और सीधे एक तरफ से गोलियां बरसाने शुरू की और यहां पर जितने लगभग 12-13-1200 लोग इकट्ठा थे, 1200 लोग जितने इकट्ठा थे सबको मार डाला गया, घूम दिया गया गोलियों से। सोचिए लगभग 1400 राउंड फायरिंग हुई थी, 1400 गोलियां चली, 1200 लोग मारे गए थे। जितनी गोलियां ये लोग लेके गए थे सब फायर कर दिए, कुछ नहीं बख्शा गया। औरतें बूढ़े बच्चे जो भी मिले सबको मारा गया। जो उस समय वहाँ पर इसी जलियांवाला बाग में कुआं था, जिन लोगों ने कुएं में कूद के जान बचाने की कोशिश की उन तक को गोली मारी गई। कुछ लोग बगीचे की दीवार पर चढ़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं, सबको मार मार के गिरा दिया, किसी को नहीं बख्शा गया। तो ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, अब इसमें भी जो गोलियां मारी गई थी, जनरली जैसे मॉब में जब फायरिंग होती है तो पहले पुलिस वार्निंग देती है, यहाँ पर वार्निंग बिल्कुल नहीं दी गई और जिधर निकलने का रास्ता तो उधर ही गिर के खड़ा हो गया था। और दूसरी बात की जो गोली मारी गई थी वो सीधे सीधे लोगों के माथे या सीने में गोली मारी गई थी। जब भी पुलिस फायरिंग करती है तो कमर के निचले हिस्से पर फायरिंग की जाती है ताकि चोट लगे, सीधे जान न जाए। यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट कर करके मारा गया। सोचिए 1400 राउंड फायर हुए थे और 1200 लोग मरे थे। हालांकि सरकार ने अपना आंकड़ा बदल दिया था। सरकारी जो आंकड़ा दिया जाता है कि इस जलियांवाला बाग कांड में जो मृत्यु हुई लोगों की वो केवल 379 क्या था डेट था, डेथ काउंट सरकार ने किया और 1200 लोगों को इंजर्ड घोषित किया, यानी 1200 घायल और 379 डेथ, ये सरकारी आंकड़ा था। हालांकि लगभग 1200 लोगों की मौत हुई थी। तो इतने बड़ी मात्रा में लोगों को मारना, एक गोली से लगभग हर एक आदमी को मारा गया था और ज़्यादातर गोलियां सीधे सीधे सीने या माथे पर मारी गई थी, बिल्कुल निशाना ले लेके चुन चुन के मारा गया था। तो ये बहुत भयानक और बहुत भीषण कांड था। तो इसी के खिलाफ अचानक से पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। ठीक, हालांकि ये बहुत बड़ी घटना थी तो पहले इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। और भी कुछ फैक्ट्स हैं इस जलियांवाला बाग कांड के, कि जैसे पूछा जाता है कि जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखेंगे उस समय पंजाब का गवर्नर था ओ डायर। ठीक है, और गोली चलवाई थी किसने, आर डायर ने। एक और सवाल पूछा जाता है कि जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के समय भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड क्या था, भारत का वायसराय था। जब ये जांच कांड हुआ, बहुत भयानक कांड था, बहुत भीषण कांड था, इसी कांड के बाद फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अशांति को देखते हुए 15 अप्रैल को पूरे पंजाब में, पहले अमृतसर में था, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इस भयानक कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत महान व्यक्ति थे, उनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसको सर लगाते हैं नाम के आगे सर, तो उनके नाम को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी इसी जलियांवाला बाग के विरोध में। इसी समय टी शंकर नायर जो थे वो जो वायसराय की काउंसिल थी, उस वायसराय की काउंसिल के वो मेंबर थे, लेकिन टी शंकर नायर ने इसी जलियांवाला बाग कांड के विरोध में वायसराय की काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया। जब हल्ला बहुत ज़्यादा बढ़ा तो इस जलियांवाला बाग कांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का भी नाम पूछा जाता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं फैक्ट के रूप में, अक्टूबर 1919 से बनी हंटर कमेटी। तो जो हंटर कमीशन या हंटर कमेटी बनी थी, कब बनी थी, अक्टूबर 1919 में, किस लिए बनी थी, ये वही जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी हुई थी उसी की जांच के लिए बनाई थी हंटर आयोग। और ये जो हंटर आयोग था इसमें 8 सदस्य थे, 8 मेंबर्स थे। इन 8 में 5 जो थे वो ब्रिटिश थे और 3 जो थे वो भारतीय थे। ठीक है, 3 भारतीय भी इसमें शामिल किए गए थे। हालांकि इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी मार्च 1920 में, इस कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट मार्च 1920 में आई। हालांकि इस रिपोर्ट में जलियांवाला बाग के लिए जो जनरल डायर दोषी था उसको बिल्कुल भी दोषी नहीं माना गया। हालांकि दोषियों को बचाने के लिए पहले से ही सरकार ने इंडेमनिटी बिल को पास कर रखा था कि इन दोषियों को कोई सजा नहीं होनी थी। इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस ने जो था
कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी अपने लोगों की कि जो जलियांवाला बाग कांड की जांच करेगी, तो इसके लिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी 1919 में ही, जिसको कहा जाता है तहकीकात कमेटी। तो जो तहकीकात आयोग बना था, तहकीकात कमेटी बनी थी, वो किसने बनाई थी? कांग्रेस ने बनाई थी। किसकी जांच के लिए? इसी जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बनाई थी। इस तहकीकात आयोग के जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, मालवीय जी इसके चेयरमैन थे, मदन मोहन मालवीय, मालवीय जी की अध्यक्षता में तहकीकात आयोग बना था। इसके बाकी सदस्यों में गांधी जी भी थे, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, पुपुल जयकर, अब्बास तैयब जी, ये सारे लोग जो थे इन लोगों के साथ इस तहकीकात आयोग में थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। खैर, क्योंकि ये कांग्रेस की कमेटी थी, इसका ब्रिटिश सरकार के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों ने जनरल डायर को और वहाँ के प्रशासन को दोषी माना था, हालांकि सरकार इस रिपोर्ट को मानी नहीं, सरकार ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को ही स्वीकार किया था। खैर, हालांकि बाद में इस कांड का बदला भी लिया गया था। आपने ऊधम सिंह का नाम सुना होगा, शहीद ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने क्या किया कि मार्च 1940 यानी घटना हुई थी कब? 1940 यानी 21 साल बाद ऊधम सिंह ने क्या किया, लंदन जाके गोली मार दी। और लंदन जाके गोली किसने मारी? जनरल डायर को। अब इसमें भी दो डायर दिखाएं, कौन से डायर को ऊधम सिंह गोली मारे थे मार्च 1940 में, और कहां पर गोली मारे थे? लंदन। तो लंदन जाके ऊधम सिंह ने गोली मारी, जनरल माइकल ओडायर को गोली मारी गई थी। ध्यान रखेंगे, जो पंजाब का गवर्नर था, मेन कल्प्रिट यही था, तो पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारी थी। जिसने गोली चलवाई थी आर डायर, उसको नहीं मारा था उन्होंने। उन्होंने किसको मारा था उस समय? जो पंजाब का गवर्नर था ओडायर, उसको गोली मार दी थी। खैर, तो ये जलियांवाला बाग कांड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम लोग वापस राजनीति की बात करते हैं। तो आपको बताया कि जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ, ये बहुत ही भयानक और भीषण कांड था। इससे अचानक से पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक गुस्से का माहौल बना, लोग नाराज हुए कि सरकार ने ये गलत किया है, गलत तरीके से किया। गांधी जी ने इसी इशू को पकड़ लिया कि अब यही समय है कि लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा है, कितने भयानक तरीके से निहत्थे लोगों की जान ली गई थी, पूरे देश में लोग आग बबूला थे इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो गांधी जी ने इसी मुद्दे को कहा कि बस अब यही मुद्दा मिला है जिसको लेके हम अपने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, हालांकि केवल एक ही मुद्दा काफ़ी नहीं था जो बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन को हवा दे सके। एक और मुद्दा उस समय चल रहा था जिसको गांधी जी ने हाथों हाथ लिया और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा जो बड़ा मुद्दा था, हालांकि वो राष्ट्रीय घटनाक्रम से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से प्रेरित था, उस पर भी चर्चा करते हैं हम लोग। कि जैसे हुआ यह था कि यूरोप में वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था उस समय, 1914 से लेके 1919 तक विश्व युद्ध छा, वर्ल्ड वार वन, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसमें कई सारी पार्टियां थीं। जो यहां पर मुद्दा था वो ब्रिटेन और तुर्की के बीच था, तुर्की और ब्रिटेन के बीच लड़ाई थी। जब वार खत्म हुआ 1919 में, तो ब्रिटेन ने तुर्की को हरा दिया। तो जब ब्रिटेन ने तुर्की को हराया, तो तुर्की को हराने के बाद जब तुर्की पराजित हुआ, तो तुर्की के खिलाफ एक संधि की गई, सेवर्स की संधि। और उस सेवर्स की संधि में क्या किया गया कि जो तुर्की था, तुर्की को दो हिस्सों में ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने बांट दिया। और तुर्की को दो हिस्सों में बांटे जाने के बाद क्या किया गया कि यहाँ जो तुर्की का जो सुल्तान होता था, उस तुर्की के सुल्तान को कहा जाता था खलीफा। ठीक, तुर्की के सुल्तान को क्या कहते थे? खलीफा। खलीफा की सत्ता ब्रिटिश सरकार ने खत्म कर दी कि अब कोई खलीफा नहीं होगा। तो जब खलीफा की सत्ता ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ खत्म की, इसी बात का विरोध कि खलीफा की जो सत्ता खत्म की गई थी, इस बात का विरोध भारतीय मुसलमानों ने किया। क्योंकि आपको जब दिल्ली सल्तनत बता रहे थे, तो आपको बताया था कि यहाँ पर सुल्तान तब बनते थे जब खलीफा से परमिशन लेते थे। तो खलीफा की मुसलमानों में बड़ी इज्जत थी, बड़ा रिस्पेक्ट था। जैसे आज के दौर में आप देखते हैं कि पोप होते हैं, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं धरती पर, कि खुदा ईश्वर के बाद कोई है तो पोप है। तो उसी तरीके से मुसलमानों में उस दौर में खलीफा का क्रेज था कि एक तरीके से ईश्वर का प्रतिनिधि धरती पर जो है खलीफा। उसी खलीफा को खत्म कर दिया, बेटे ने खलीफा को ही खत्म कर दिया।
तो इस बात से नाराज हुए भारतीय मुसलमान। भारतीय मुसलमानों ने भाई आंदोलन चलाया कि हमारे जो खलीफा के खिलाफ जो कदम उठाया गया है इसको वापस लिया जाए, इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। ब्रिटिश सरकार इन चीज़ों पर भरोसा नहीं कर रही थी, उसको सीधा सीधा तुर्की देख रहा था, उसने तुर्की खलीफा ख़त्म कर दिया। इसी खलीफा की खिलाफत को बचाने के लिए भारत में एक मूवमेंट चला जिसको कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट, हिंदी में कहते हैं खिलाफत आंदोलन। समझ में आया? तो ये जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत आंदोलन है, ये किसके लिए था? तुर्की के खलीफा के लिए। क्यों था? क्योंकि वर्ल्ड वार में तुर्की ने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटेन के खिलाफ और ब्रिटेन जीत गया था, और जीतने के बाद सेवर की संधि के तहत खलीफा यानी जो तुर्की का सुल्तान था उसकी सत्ता समाप्त कर गई थी। तो यही जो जब युद्ध खत्म हुआ, जब सेवर की संधि हुई 1919 में, तो यहीं पर 1919 से लेके 1922 तक ये खिलाफत मूवमेंट भारत में चला। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का एक अधिवेशन हुआ, एक सेशन हुआ दिल्ली में। तो जो दिल्ली में अखिल ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो सेशन हुआ था नवंबर 1919 में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी को दी गई। गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया था खिलाफत का। और इस खिलाफत आंदोलन में बाकी जो नेता थे ही, जिनमें हकीम अजमल खां थे, हसरत मोहानी थे, अब्दुल कलाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये सारे नेता थे। इन सारे नेता के अलावा दो सगे भाई थे जिनको अली ब्रदर्स कहा जाता है। अली ब्रदर्स, तो अली ब्रदर्स में दो भाई थे, एक थे शौकत अली और दूसरे थे मोहम्मद अली। शौकत अली और दूसरे थे मोहम्मद अली। तो इन्हीं को क्या कहते थे शॉर्टकट में? अली बंधु। ठीक, मेन यही थे। तो अली ब्रदर्स में ये शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और गांधी जी ने भी सहयोग किया था। और गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बने। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इन दोनों भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया। तो शौकत अली मोहम्मद अली को भी गिरफ्तार कर लिया। तो गांधी जी ने क्या किया कि इस खिलाफत आंदोलन का भी बहुत ज़ोरदार तरीके से समर्थन किया, क्योंकि जब खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते तो मुसलमानों का सपोर्ट भी मिल रहा था। और जलियांवाला बाग से पूरे देश में गुस्सा था ही। तो जलियांवाला बाग एक मुद्दा इशू जिससे पूरे देश में एक मुद्दा है, और दूसरा क्या था, खिलाफत। इन्हीं दोनों को मिलाया गांधी जी ने, मिक्स कर दिया ताकि मुसलमानों का भी सपोर्ट मिले। और इन्हीं दोनों इशूज़ को, इन्हीं दोनों मुद्दों को मिलाते हुए उन्होंने 1920 अपना पहला नेशनल वाइड मूवमेंट लॉन्च किया जिसको कहा जाता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो क्यों शुरू किया गांधी जी ने, तो उसके दो रीज़न थे। पहला जलियांवाला बाग, दूसरा खिलाफत। इन्हीं दोनों मुद्दों पर इन्होंने पहला नेशनल वाइड मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन शुरू किया। गांधी जी ने लोगों को ये समझाया कि ये अंग्रेज जो भारत पर शासन कर रहे हैं, अंग्रेजों का भारत पर शासन इसलिए है क्योंकि हम उनके शासन के हर एक क्षेत्र में सहयोग करते हैं। उनके अदालतों में हम ही वकील हैं, हम ही मुवक्किल हैं। उनके स्कूल में हम ही टीचर हैं, हम ही छात्र हैं। उनके पुलिस थानों में हम ही पुलिस हैं, हम ही चोर हैं। तो अंग्रेजों के सभी दफ्तरों में, पूरी सेना में, पूरी पुलिस में, सब जगह तो भारतीय हैं। ये ब्रिटिश, ये अंग्रेज हम भारतीयों के सहयोग से हम पर शासन कर रहे हैं। जिस समय हम अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर देंगे, ये हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे, इनका शासन पंगु हो जाएगा और इन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ही इन्होंने नाम दिया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन यहाँ भी लगा हुआ था, गांधी जी अकेले नेता तो थे नहीं, देश में और भी नेता थे। और कईयों को लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार से इस तरीके से लड़ना ठीक नहीं होगा, जिस वजह से कांग्रेस में फिर से एक बंटवारा होता है और एक टूट होती है। और कई सारे नामी गिरामी नेता, जिसमें एनी बेसेंट थे, बिपिन चंद्र पाल थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खारपड़े, कई सारे बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया। विभाजन क्या कह सकते हैं, कई सारे नेताओं ने कांग्रेस से अपने आप को अलग करना ठीक समझा, तो अलग भी हुए कांग्रेस।
तो आंदोलन शुरू करना इतना आसान नहीं था, बहुत सारे विरोध हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार का तो था ही था, अपने लोग भी विरोध करने से बाज नहीं आते थे। अब वो क्या विरोध हुआ, कैसे उन पर गांधी जी ने विजय पाई और कैसे अपना पहला राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, लगे रहिए, देश की आज़ादी का माहौल बना हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो और देश आज़ाद हो, ताकि आज़ाद भारत में हम लोग सांस ले सकें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।